तख्त। दोस्तों आपको बता दूं कि करण जौहर साहब डायरेक्शन में फिर से वापसी कर रहे हैं आफ्टर ए दिल है मुश्किल, और फिल्म आ रही है तख्त, जिसमें बहुत सारे स्टार कास्ट है, भूमि पेडनेकर, विकी कौशल, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट, बहुत सारे एक्टर्स हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि तख्त कब रिलीज होने वाली है? वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, करण जौहर इसे ईद 2020 के लिए सोच रहे हैं। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आता है जहन में, दिमाग में, कि ईद कैसे? क्योंकि ईद तो भाईजान सलमान खान का है, मतलब कि ईद का पूरा फेस्टिवल अगर देखा जाए तो। भाई ने ईद की फिल्में जो है सिर्फ 2013 में एक मिस की थी, और ऐसे में दोस्तों बातचीत ये चल रही है कि भाई का जो अगला प्रोजेक्ट होगा आफ्टर दबंग 3 वो हो सकता है ईद में रिलीज हो। देखिये, दबंग 3 इसलिए नहीं ना क्योंकि अप्रैल 2019 में शूटिंग शुरू हो रही है दबंग की, और दबंग ऐसी फ्रेंचाइज होती है जो कि फटफट करके 55-56 दिन में जो है रैप अप हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर इंडोर शूटिंग होती है, सेट बनाए जाते हैं। तो अब ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि अगर दबंग रिलीज होती है दिसंबर 2019 में, तो 2020 में ईद में कौन सी रिलीज होगी? क्या भाई की ईद में रिलीज नहीं होगी? आपको बता दूं, ये भी बात सामने आई है कि सलमान भाई जो हैं भारत को एक बार रैप अप कर ले, भारत के एक बार प्रोमोज आ जाएं, भारत से एक बार फिनिश हो जाएं, तो उसके बाद वो अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में हमें बता देंगे। वेल, ये ऑल सब स्पेक्यूलेशंस हैं जो कि मीडिया में चलते रहते हैं, और मेरा यानी कि राहुल भोज का काम है आप लोगों को इन बातों की जानकारी देना। अब ये बातें कितनी सही प्रूव होंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए ऑफिशियल कंफर्मेशन का, तब तक कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। अगर तख्त रिलीज होती है ईद 2020 में और वहीं भाई की फिल्म रिलीज होती है तो क्या होगा पंगा? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और बने रहो मेरे साथ क्योंकि राहुल भोज अपडेट करता रहेगा।